सलाम नमस्ते केंचो एंड वेलकम टू दस का दम। ये है हमारे खास दोस्त अश्विन पटेल एंड ब्यूटीफुल आरती छाबरिया। दोनों आपको इन दिनों साथ साथ नजर आएंगे टॉस में। यस सर, टॉस का बॉस। टॉस का बॉस। मेरी इनसे मुलाकात उस वक्त हुई थी जब ये एक्टर नहीं थे और मैं इनके घर पे गया था डिनर के लिए। इनकी बड़ी बहन मेरी कोस्टार रह चुकी हैं, उनका नाम है अमीषा पटेल। और ये कुछ हिप्पी टाइप के थे, वो ढीली पैंट कॉटन की और ऐसा कुछ कुर्ता था और बैग लटकी हुई थी और लंबे लंबे बाल थे, ऑरेंज बाल थे। जी हाँ जी, वो दोज डेज आर वे बिहाइंड मी। अब मैं लाइफ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। मैडम, कुछ ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान को नहीं पता है? बहुत बड़ा कन्फेशन है, बचपन से लेकर आज तक you know, you've obviously been my favorite, but I've had a big, big, big crush on you ever since I was a little girl. ये आपने पहले बोल दिया होता तो कितना मजा आया होता। अगर आप मुझे कहीं ना कहीं वैसे बता देती तो कुछ सालों पहले बताती। स्टूडियो में आप शूटिंग उस वक्त जब आपने बताया होगा तो आप कितने साल की होंगी? काफ़ी छोटी थी तब। आजकल मैं ये काफ़ी सुन रहा हूँ कि जब हम लोग चार साल के थे, अब हीरोइंस बोली, हम चार साल के थे, हम किंडरगार्टन में थे जब हमने आपकी मैंने प्यार किया देखी थी। एब्सोल्युटली सेम हियर, नॉट 4 इयर्स ओल्ड ऑफ कोर्स, नॉट 4 इयर्स। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, आई लव यू एंड मैंने प्यार किया। मैं ऑब्वियसली चार साल की नहीं थी तब। आई डोंट रिमेंबर जो भी हूँ, आज मैंने प्यार किया की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप मुझे पहले टॉस के बारे में बताइए। जी, तो टॉस छः दोस्तों की कहानी है जो गोवा में रहते हैं, और इन छः दोस्तों के बीच में एक दरार आ जाती है जब उनके लाइफ में एक फॉर्चून आ जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और फास्ट पेस फिल्म है। प्लीज गो एंड वॉच माई फिल्म टॉस। It's a very, very special film, and I hope you really like it. अब हम बुलाते हैं हमारे कुछ स्टार्स को जो कि एक बहुत ही फनी फिल्म डैडी कूल के स्टार्स हैं, जो कि हमारे शो दस का दम में आ रहे हैं अभी इसी वक्त। This song to be played once again and only Sunil dancing to this song. Yeah! I'll do it. I'll do it for him. Yeah. I'll do it. Yeah. Yeah.
Now Sunil is going to just sing the song. No dancing. I did this for you. Yeah. Now I'm going to sing also. Abhi the gana bhi padega. Ah, theek hai, ga lunga. No problem. I've come prepared. My wife, my mother, and my daughter have told me ki sambhal lena aap, kyunki bahut hi dangerous jagah pe ja rahe ho aap. Main Afghanistan chala jata, lekin yahan aate dar laga. Honestly. हाँ तभी गाना गाएंगे सर हाँ तो गाऊंगा ना कहाँ माइक माइक नहीं है माइक यार माइक अच्छा सॉरी यार तो क्या गाऊंगी ना हाँ डैडी डैडी कूल डैडी डैडी कूल फिनिश I'm crazy like a fool woo डैडी प्लीज वेलकम आफ्ताब सुनील सोफी एंड मिस्टर जावेद जाफरी अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों में से खेलेगा कौन अरे यार भाई तो आप हो तो आप डिसाइड करोगे ना ये कुछ टीम ही बनानी पड़ती है ना तो अश्विन भाई मैं तो नहीं खेलना चाहता बहुत टेंशन होती है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा उठ जाता है मुझे माफ करो प्लीज लेकिन ये तो क्विट कर गए लेकिन भाई तो आप हो ना तो आप डिसाइड नहीं नहीं आप डिसाइड करो आप अन्ना हो भाई से बड़ा डिसाइड कर लो चलो कौन कौन खेलेगा मैं आपको सजेशन दूं लड़कियां हमें शायद काफी डिस्ट्रैक्ट करेंगी तो मेरी लक परसेंटेज जी आई आप लोगों को पता नहीं लेकिन मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मुझे आप आइए मैं आपको आइए मैं आपके यहाँ पर आइए डिसाइड हो गया आफ्ताब और जावेद एक तरफ पे सुनील दूसरी तरफ पर सबको निकालना पड़ेगा जो जैकेट नहीं नहीं बॉडी है सर मेरी बॉडी ये है क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड अब मैं आपको इस राउंड के कुछ रूल समझाऊंगा गौर से सुनिएगा दोबारा मत पूछिएगा आपको बॉस आपको नॉकआउट करना और आपको आपको नॉकआउट करना है आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ पांच सवाल जिनके जवाब हमारे इस LG LCD TV में बसे हुए हैं तो जिसने भी पहले तीन प्रश्नों का सही जवाब दिया वो हमारे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम Are you ready? आपका पहला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का एक लकी अंडरवेयर है सुनील यार मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ यार ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि लोग अंडरवेयर से भी लक जोड़ते हैं कितने सुपरस्टिशियस होंगे लोग मैं तो सोचा था कि वो यहाँ पर यहाँ तक क्या होता है कि बिल्ली रास्ता क्रॉस की कर गई तो बैड लक है अरे किसके लिए बैड लक है बिल्ली के लिए बैड लक है यार आप तो गाड़ी में जा रहे हो मैं तो सुपरमैन का सुना था वो एक ही अंडरवेयर पहनता है ऊपर ऊपर लाल वाला आपका कोई अनुभव मैं वही सोचता हूँ कि लोग मतलब उसको धोते होते हैं कि वैसे ही रखते हैं शायद जिस जिसके पास एक होगा तो वो अंडरवेयर तो बहुत ही अनलकी होगा बेचारा बहुत ही क्योंकि अगर वो दिन को पहनता होगा तो रात को धोता होगा नहीं धोता होगा तो उल्टा पहनता अच्छा, होगा इसमें लेकिन अंडरवेयर में कच्चे नहीं आते कि कच्चे भी इंक्लूडेड कच्चे भी आते होंगे तो हाँ शायद लंगोट अंडरवेयर लंगोट अंडरवेयर अश्मित आपको क्या लगता है कुछ लोग हैं जो अंडरवेयर नहीं पहनते नहीं आप पहनते हो कि नहीं वही कहने जा रहा था कि क्या बात कर रहे हो आप मेरी सारी पोल खोलने वाले आज मुझे लगता है अच्छा कि मैं यहीं पे बैठ गया क्या लगता है आपको सोफी आरती अश्मित के बारे में अश्विन ये बोल रहे हैं कि अश्मित के बारे में क्या पहन रहा हूँ कि नहीं लेकिन ये ऐसा होता है कि कोई लकी अंडरगार्मेंट होती है आई होप कि अगर है कि वो मतलब दराज में रखते हैं और रोज वो ही नहीं पहनते आई होप सो प्लीज आई होप सो लेकिन ये कैसे डिसाइड करते होंगे कि ये हमारी लकी अंडरवेयर है मतलब इफ दे स्कोर ऑन व्हाटएवर उसको पहनने के बाद क्या हुआ क्या हुआ दैट्स इट लेकिन वो कैसे ट्रैक मतलब कि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये राइट टाइम है शुभ मुहूर्त है आज का दिन अच्छा है हाँ तो उस दिन के ऊपर यू नो कि आज पूजा पाठ करके निकले तो ये सब भूल भाल के अंडरवेयर पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा आता है आपके पास 10 सेकंड है 10 सेकंड शुरू होते हैं अब You really don't wear any underwear? I'm Jack. No, he's asking Ashwin. I've seen. He's
ये अंडरवेयर इनके लिए तो लकी है क्योंकि इनके साथ दो लड़कियां बैठी बहुत लकी अंडरवेयर But this underwear is lucky for him. Yeah. तो दोनों खूबसूरत लड़कियाँ आपके साथ बैठी हैं। आज के बाद यही पहन। But आजकल के बच्चे आपने देखा होगा आप कभी 14 साल का बच्चा है। मेरा बेटा यहाँ पहनता है पैंट है। कि यहाँ अंडरवेयर यहाँ पे। पैंट वाला। जींस यहाँ पे। जींस में रखता हूँ अपना आधा किलो मसाला भरा हुआ यूँ ऐसे ऐसे चलते हैं आपने लगाया है आफ्ताब और जावेद ने लगाया 17% पर 25% सुनी ने लगाया 25% पर आए देखें जीतता है कौन प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का एक लकी अंडरवेयर है कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का एक लकी अंडरवेयर है सुनील जीत गए ये पॉइंट आप अंडरवेयर स्पेशलिस्ट आपका अगला प्रश्न स्कोर है 1-0 प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो सिर्फ मजे लेने के लिए लोगों को गलत रास्ता बता चुके हैं कभी आपने ऐसी हरकत की है बहुत बार क्या कैसे कहीं किसी को आज भी कहीं कहीं भेज देता हूं मैं मजाक करने की आदत होनी भी चाहिए ना बचपना याद आता है और कभी भी रॉन्ग डायरेक्शंस कोई ऑल्टमॉन रोड की तरफ जाना चाहता है तो मैं उसे मरीन ड्राइव भेज देता हूँ आज भी तो हमेशा होता ही है लेकिन उसमें मेन में एक बार हो गया था बेचारे को शौचालय का रास्ता पूछते हैं और जब आप रॉन्ग रास्ता बता दो तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम बेचारा वो टेंशन में भाग रहा है उस तरफ बोल रहे होते थे और फिर रास्ते में क्या हो गया था मैंने तो कभी कभार दोस्तों को किया हूँ एयरपोर्ट पर जब मुझे जाना था बैंगलोर वो जा रहे थे कलकत्ता तो मुझे कहाँ जा रहा तू मैं तू कहाँ जा रहा कलकत्ता अच्छा चल साथ में तो बैंगलोर के बस में बिठा फ्लाइट से वापस भेज दिया वैसे जी आप तीनों के पास 10 सेकंड हैं 10 सेकंड शुरू होते हैं अब कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो सिर्फ मजे लेने के लिए लोगों को गलत रास्ता बता चुका है आफ्ताब और जावेद लगाए 21% पे सुनील शेट्टी लगाए 50% पर आए देखें कौन जीतता है सुनील शेट्टी या आफ्ताब और जावेद मुझे लगा सब मेरे जैसे है यार शैतान स्कोर है 1-1 आप लोगों ने कभी ये किया है किसी को गलत रास्ता दिखाया मैं कभी कोई गलती नहीं करता हूं वो गलत रास्ते पे ही है उसको बेचारे को खुद किसी ने गलत रास्ता दिखाया अभी तक घूमता रहा अभी अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं गौर से देखिए और फिर आपको इस इन एक्सप्रेशंस के ऊपर कमेंट देना है कि वो उस वक्त क्या बोल रहे थे पिक्चर नंबर 1 ये तो आरती है क्या क्या कह रही होंगी इज दिस वन ओके मॉम जावेद ये मेरे फिगर को उजागर करेगा या नहीं उजागर आफ्ताब क्या मैं इसे फ्री में लेके जा सकती हूँ ये ड्रेस मुझ पे बहुत सजेगी ना आई थिंक दैट्स सच यू यू आर नाइस टू मी आप सब से द बेस्ट यू से हियर क्या बोल रही थी क्या एक्सप्रेशन क्या आई थिंक शायद मैं ये कह रही थी कि क्या ये अच्छा लगेगा मुझ पर आइए पिक्चर नंबर 2 हाय सुनील मेरे लिए भी ऐसे ही ताजमहल बनाओगे ना
आफ्ताब का लुक था खर्चा बोलो बोलने वाला तो फिर भड़क जाते हैं हेलो वो जो बच्चे नंगे छत पे भाग रहे हैं ना हमारे हैं अश्विन अब उन दोनों साउथ बॉम्बे गए याद रखना फैफी मुझे दिन को भी तारे दिखाई दे रहे हैं सोफी फैफी यू सी दैट गाय देयर आई लाइक हिम I've got one. Faffy. I was going to say. Faffy, देखो मैं तुम्हारी नाक से क्या निकाला. आप क्या? क्या क्या कह रहे थे? देखो Faffy, वो है 10 का दम का सेट जहाँ तुम्हें जाना है सलमान भाई के यहाँ. तस्वीर नंबर 3. इतनी जुए? सुनील. सोच लो कांटू इतने बचे हैं. हसले बेटा बाल काटने के बाद देखना क्या रुकाएगी आपका क्या था इसपे आई थिंक शायद वो मसाज दे रही थी और मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं ऐसा ही लग रहा इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ लेडी टचिंग यू नो अगला पिक्चर लड़की बोल रही है कि इसके शर्ट तो पूरा बटन है ये क्यों हाथ से छुपा रहा है इज्जत बचाओगे कैमरा अश्विन माइन आर बिगर देन योर्स व्हाई वुड आई बी डूइंग दिस बिकॉज़ यू आर कॉन्शियस आई वुड हैव बीन शोइंग इट लाइक दैट स्कोर है 1-1 आप लोगों का अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय ने टायर में हवा भरने के लिए हैंड पंप इस्तेमाल किया है मतलब नो स्पेसिफिक गाड़ी का टायर साइकिल का टायर नो स्पेसिफिक टायर ओके आपने कभी डेफिनेटली मैंने भी साइकिल अभी तक हवा भरता हूं साइकिल में हां आप साइकिल साइकिल बहुत साइकिलिंग की है बचपन में बहुत ज्यादा झूले भी करते हैं आजकल जो साइकिल चलाता था उसके पास तो डेफिनेटली हैंड पंप होना ही होना है नहीं तो साइकिल शॉप पे आइए मैं कुछ पंप्स मंगाता हूँ आइए पंप कीजिए कम वो ट्यूब है और ये पंप है अरे वाह आफ्ताब सुनील कम ऑन सुनील या स्टार्ट है बोलो 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 अरे इसका तो हवा निकल रहा है सुनील के मर नहीं दे रहा है ये हवा भरोइंग कंपटीशन सुनील शेट्टी साहब जीत चुके हैं बाकी सब हार गए स्कोर 1-1 है प्रश्न था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने टायर में हवा भरने के लिए हैंडपंप इस्तेमाल किया है आपके पास 10 सेकंड है 10 सेकंड शुरू होते हैं अब आफ्ताब ने 31 पे लगाया सुनील ने 30 पे लगाया देखते हैं जीतता कौन है आफ्ताब जावेद या सुनील
ठीक है आई एम रॉन्ग यार आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो फ्लश करने से पहले पलट कर कमोड में झांकते हैं। ये सवाल हम सिर्फ लड़कियों से पूछेंगे। नहीं, पहले हम आपसे आप लोगों से पूछेंगे। झांकने की क्या जरूरत पड़ती है आप लोगों को, वो तो ऊपर से भी देख सकते हैं कि देखना भी है कि आंखें खराब है, देखना भी है, सूंघना भी है, क्या है क्या? नहीं, कभी कभार ऐसे होता है कि सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं मिलती, फिर आप देख के वो चेक कर लेगा करेक्ट बात है। तो मेरी माइंड को मेरा माइंड सोच रहा है, वो मेरा पेट भी वही क्वांटिटी के हिसाब से फिर वो सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ नहीं ठीक है, वो पेट में जो फीलिंग है वो ठीक है। कभी कभी इसके हजम हुआ खाना या नहीं वो भी चेक करते होंगे। सुनील आप, मैं कभी कभी क्या कभी कभी सो जाता हूँ कमोड पे बैठे बैठे तो याद नहीं आता उठने के बाद कि हुआ कि नहीं, तो तभी देख लो। आपको मैं एक सीरियस बात बताऊं, जो आप खाते हैं उस तरह का आपका जो माल होता है वो निकलता है। क्या माल माल प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारती ने कहा कि वो फ्लश करने से पहले पलट कर कमोड में झांकते हैं। कितना झांकते होंगे यार अंदर? आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आफ्ताब और जावेद ने लगा 37% पर, सुनील लगा 52% पर। आए देखे कौन जीतता है, आफ्ताब जावेद या सुनील। ये डिसाइडेड प्रश्न हो सकता है, अगर आफ्ताब और जावेद जीते तो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दान। सुनील जीते ये पॉइंट। अब ये होगा आप लोगों का डिसाइडर प्रश्न। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है? सीनियोरिटी को पहले नहीं, मैं उसमें नहीं मानता। नहीं उनसे पूछ लीजिए। हाँ, हमारी लाइफ में बीवी आ गई है, लड़की की जगह बीवी आ गई है, तो वो जरा यूज नहीं कर सकते हम। इनके लाइफ में बैचलर तो मैं हूँ ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारतीय पुरुष जो हैं फिर भी थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। जितना हम लोग वेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करें, है ही हम तो भारतीय, तो हमारी जो संस्कार है और हमारी जो कंजर्वेटिवनेस है वो हमसे निकाली नहीं जा सकती। कितना बड़ा झूठा है। पीछे अच्छा था लेकिन ऑलमोस्ट कन्विंसिंग। नहीं बट सुनील, आपकी शादी हो चुकी है, आप हैं शेट्टी, आपकी मिसेस क्या है, माना क्या है? कादरी, मुसलमान। मुसलमान, आधा मुसलमान, पंजाबी। ये कैसे हो गया? मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर शादी करूंगा तो माना से शादी करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। आज खुश हैं हम, साथ में रहते हैं। आई थिंक सबसे खुशी की बात यह है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, एंड वी ऑल लिव टुगेदर। शी इज मोर लाइक अ डॉटर देन यू नो प्रॉबली अ डॉटर इन लॉ। एक इस बात पे एक धड़कन का वो जो डायलॉग हो जाए आपका फेमस डायलॉग है धड़कन का, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है? लड़कियां आपका क्या मानना है? आई टोटली अग्री विद व्हाट आफ्ताब सेड। Indian culture and Indian men are not so bad. After all, असर तो चल गया। मुझे लगता है कि हमारे
हमारे जो है इंडियन मैन वो दुनिया के सबसे रोमांटिक हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो आई एम होपिंग कि इसका जवाब कम ही निकलेगा. आप ही को देख लें फिल्मों में, यू आर द मोस्ट रोमांटिक गाय इन द वर्ल्ड. यू ये सब गर्लफ्रेंड बनने से पहले यही कहती हैं. एक बार गर्लफ्रेंड बन गया तो ओह माय गॉड, वी थॉट यू वर लाइक समथिंग एल्स ऑन यू. नो बट इट्स अ फैक्ट, रोमांटिक भी और इमोशनल भी आप बहुत ज्यादा है. मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ. अच्छा, इनसे ज्यादा इमोशनल नहीं है, ये बात बात पे रो देते हैं. डू यू नो के मिस्टर सुनील शेट्टी जो के बहुत ही मर्द हैं और सब उनको अन्ना बुलाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज डन मार्शल आर्ट्स एंड प्रिंसिपली वेरी स्ट्रॉन्ग, गुस्सा भी इनको, लेकिन अगर इनकी फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ बोला या कोई फैमिली फंक्शन में गए या अगर कुछ एक अच्छी स्वीट चीज बोल दी इनके बारे में, तो ये फूट फूट कर रोते हैं. यस और नो? प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है. 10 सेकेंड है आप दोनों के पास, ये डिसाइड प्रश्न है. 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब. आफ्ताब जावेद ने लगाया 10% पर, सुनील शेट्टी ने लगाया 15% पर. आए देखें कौन खेलता है मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए, आफ्ताब जावेद या सुनील शेट्टी. What did you say? Holy shit! Shame. मैं जीतना नहीं चाहूँगा अगर ऐसे. 55% लोग ये मानते हैं कि ओ बाप रे बाप के बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है. अरे तो बाय बॉस. तो तालियां इन लोगों के लिए जो 55% के लोग हैं, और उससे भी जोरदार तालियां सुनील शेट्टी के लिए जो जीत चुके हैं ये फ्लोर में नॉकआउट राउंड और खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए. 10 का दाम. आइए आप बैठ जाइए और सेलिब्रेट करने के लिए हम सुनेंगे नशा नशा. किस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए खेल रहे हैं? सेव द चिल्ड्रन इंडिया. सेव द चिल्ड्रन इंडिया जो आपकी खुद की चैरिटेबल ट्रस्ट है. आई होप कि आप ढेर सारे पैसे जीतें और आप उन बच्चों को खुश करें. तो आए लेट्स प्ले 10 का दम. आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए खिड़की है 40% की. प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि गांव में टीवी देखने के चलन को बढ़ाना जनसंख्या पर नियंत्रण लाने का एक मात्र जरिया है. आपकी क्या विशेष टिप्पणी है इस पर? सही है, लेकिन परसेंटेज वाइज
टीवी देखने से पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगा? यानी जो एडवर्टाइजिंग जो आप बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने का, मतलब टीवी में मत रोक रहे हैं तो वो तो है, वो तो है ही, उसके अलावा जो 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 जानकारी जो जानकारी जो जो सबसे जरूरी बात है, जैसे कि नीरो के ऊपर, कॉफी टी के ऊपर, जो जावेद भाई कुछ बोल रहे हैं, एक तरफ बीवी एक तरफ टीवी, एक आप अनुमान लगाइए। अनुमान लगा दूं? जी, यू डोंट टू छापो, आप डोंट छापो, जस्ट आपको क्या लगता है? आप लगता है 20 और 60 के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है और आप टीवी देख रहे हैं तो क्या आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे? बस टीवी ऑन ही रहेगा। टीवी बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए ऑन रहेगा। मुझे लगता है कि ज्यादा लोग काफी एंग्रॉस हो जाएंगे, यू नो, विद द प्रोग्राम्स दैट कम नाउडेज ऑन टेलीविजन। टेलीविजन हैज बिकम सो ह्यूज, द मीडियम इज सो ह्यूज के लोग एंग्रॉस हो जाते हैं टीवी देखने में, और जो बाकी की चीजें हैं वो मतलब थोड़ी डिले। बाकी की चीजें क्या होती है? वही जिससे पॉपुलेशन बढ़ सकती है, वही क्या 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 पॉपुलेशन आरती बताओ ना, आरती बताओ, आरती पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? गिनाइए। आरती पूजा की काम आती है ना, तो आरती तो उतरती है। सोफी आपको क्या लगता है? टू स्टॉप द पॉपुलेशन ग्रोथ, एजुकेशन नंबर 1, जानकारी लोगों को होनी चाहिए जी, जो कि टीवी के जरिए भी हो सकती है जी। आई थिंक सब कुछ जानकारी और एजुकेशन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होता है। जैसे इनकी शादी हो चुकी है, इनके दो बच्चे हैं, क्या आप ऑब्वियसली आप ज्यादा बच्चे भी पैदा कर सकते थे आपने? हाँ, लेकिन मैं एडुकेटेड हूँ जी, हूँ ना जी जी, ऑब्वियसली। इसलिए हम दो, हमारे दो, एक बेटी एक बेटा, फिनिश खुश, लवली। मेरे हिसाब से गांव में ये सोच भी होती है कि अगर भगवान दे रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते, तो वो ज़्यादातर निरोध, कॉन्डम वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इट्स अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड जी। अगेन इट बॉयल्स डाउन टू जो सोफी कह रही थी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आफ्ताब को तो ज़रूरत है, आफ्ताब अन्ना ने बोल दिया जरूरत नहीं है, बस मैं आफ्ताब को छोड़ दिया, आप छोड़ दिए। क्यों? वो झूठ ही बोलेगा, सच तो बोलेगा नहीं, तो लेकिन आफ्ताब की पहले शादी तो हो जाने दो, उसके बाद तो नहीं। आफ्ताब एक ऑडियंस पोल देख लेते भाई, 25% से लेके 40% पर आपने लगाया, 30% से लेके 70% पर, क्या करना चाहेंगे? अगर सिर्फ टीवी की बात कर रहे हैं तो नहीं, मुझे लगता है कि कम ही होगा। सुनील इज नॉट द ओनली वे, और भी रास्ते हैं। सर सर 10 10 तो ठीक है यार, आई थिंक 10 to 15 15 ओके जावेद, 15 गोर और लोअर जावेद भाई, आप क्या बोल रहे हैं? आई फील 10 to 50 इज फाइन। नेबर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए? हां, आई गॉट 3 किड्स, 3 हैं। बट यू आर व्हाट यू प्लानिंग फॉर सम मोर? मेरे प्लान से कुछ नहीं होता है, मेरी बीवी बोलती है बहुत हो गए। 15 to 55 क्या बोल रहे हो? 10 to 50 इज फाइन, 10 to 50 या बिकॉज़ इट्स द ओनली वे। खींचूं? आपकी मर्जी, खींच लूं। हे चमन्ना खींच, चाप दिया सुनील शेट्टी ने 10% से लेके 50% पर। आए देखे सुनील शेट्टी साहब जीतते हैं 10,000 रुपए या नहीं। जीत चुके हैं सुनील शेट्टी, बिकॉज परफेक्ट 25 to 2, चलो 10,000 तो मिले। आपका अगला प्रश्न 1,00,000 रुपयों के लिए, खिड़की है 30% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने रिश्तों की एक यादगार रखते हैं? आपके पास आफ्ताब ऐसे कितने यादगार होंगे? बहुत कम, आपसे तो कम। बाजू वाले के गाड़ी इस्तेमाल करता रखने के। आफ्ताब इधर आइए आप। अन्ना, अन्ना मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मेरा जो सारा सामान अन्ना के घर पे रखा हुआ मैंने, मेरे पड़ोस है वो। कम से कम 15-20 तो मैं जानता हूँ। हाँ, जो छोटे छोटे सामान आपने रखे हुए हैं, सामान माल माल। क्या लगता है आपको आफ्ताब,
आपके पास कोई अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट की कोई यादें हैं या किसी की कोई यादें हैं? मैं तो नहीं रखता। आप नहीं रखते? जब आप वहाँ से आगे चल चुके हो तो मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं। आप? नहीं, बिल्कुल नहीं रखता, रखा ही नहीं मैंने कभी। आपके पास था कौन रखने के लिए? ये बात सही है, एब्सोल्युटली। पहली लड़की आई लाइफ में उसी को रख लिया था। लवली है अस्मित। मैं तो रखता हूँ अगर कोई चीज एक्सपेंसिव हो, महंगी हो। लड़कियाँ रखती हैं, चाहे वो कार्ड्स हों, और आजकल तो लड़कियाँ SMS भी अपने फोन में रख देती हैं। अरे तो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड का क्या होता होगा? आप एक अनुमान लगाइए और आप भी उधर पोल कीजिए प्लीज। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने रिश्तों की एक यादगार रखते हैं? आपने लगाया 30% to 60%। ऑडियंस का पोल देखते हैं भाई। 30 से लेके 40 सबसे बड़ी चोटी है। आपने लगाया 30 से लेके 60। क्या करना चाहेंगे आप? आप 1 लाख रुपयों के लिए खेल रहे हैं। 70 बिकॉज पीपल, ज्यादातर लोग छुप के भी चीजें रखते हैं, खुलम खुला अग्री नहीं करते, एडमिट नहीं करते कि रखे हैं। क्या करना चाहेंगे? छाप दिया 20% से लेके 60% पर। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने रिश्तों की एक यादगार रखते हैं। आए देखें सुनील शेट्टी साहब 1 लाख रुपए जीतते हैं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप आइए, आप तो हमसे बहुत पहले आए फिल्म इंडस्ट्री में। एक्चुअली जूनियर्स हम लोग हैं। बेबी, हाँ, दैट्स राइट। मैं आपको एक मिस्टर इंडिया का क्लिपिंग दिखाता हूँ। इधर आइए। मिस्टर इंडिया के मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी हम आपसे एक ऐड करवाना चाहते हैं क्योंकि आपने बचपन में बहुत एड्स की। अभी एक ऐड करवाते हैं आपसे, एक नया प्रोडक्ट है, मैं आपको जरा मंगाता हूँ। जी प्रोडक्ट देखिए आप, ये फायरवर्क्स है क्या? ये, ये, ये। क्या आप अपने दूध के दांतों से परेशान हैं? अब अपने 10 के 10 दूध के दांतों को मजबूत, सुंदर, टिकाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए 10 कदम टूथपेस्ट। ये ऑल ऑफ अ सडन दांतों की सड़न को रोके और उन्हें मोतियों की तरह चमकाए। 3 साइजों में उपलब्ध, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। दांत ना होंगे कम अगर आजमाए 10 का दम। लवली, आप 1 लाख रुपए जीत चुके हैं। अब आप 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपका अगला प्रश्न है 10 लाख रुपयों के लिए और खिड़की है 20% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि मशहूर लोग छोटे शहर से आए रिश्तेदारों को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्माएंगे? क्या लगता है जावेद आपको?
About 70%. About 70%. कि लोग हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं? है, हकीकत है। बहुत सारे लोग हैं जो अंदाज़ होते हैं और लोग क्या सोचते हैं, जैसे लोग सोचते हैं वैसे लोग उनके बारे में भी सोचते हैं। मेरा कहना यह है कि माइंड सेट एक ही होता है ना। याद भाई, कम ऑन अप, आई नीड यू हियर। Tell me something about your father, how he came down and how he struggled aur kaise unhone apni zindagi banayi. I think wo baat mere liye alag hi hai. For me, mera apna hero hai. Mangalore se aaye the 9 saal ki umar mein. Pehle restaurant mein unhone kaam kiya as a cleaner boy. Uske baad moved on to the kitchen, moved on to the counter of the kitchen, came out as a waiter, became a manager and then finally moved to another restaurant. Dusre restaurant mein chale gaye to manage the restaurant. Aur uske baad mein dono restaurant उन्होंने खरीदी है और वो आज उन दोनों रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। तो मेरे लिए तो एक मैं उनमें से नहीं हूँ जो जिनको शर्म आएगी रिलेटिव से। मैं मानता हूँ कि मैं उनसे हम लोग उतना ज़्यादा सीखते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट माय फादर स्टोरी इज, दैट्स व्हाई ही इज माय हीरो, हमेशा मेरा हीरो रहेंगे। आपके फादर? Yeah, nice friend, because मेरे फादर भी 8 साल की उम्र में जब पार्टीशन हुआ था, मेरे फादर और मेरी दादी पाकिस्तान से इंडिया आए रिवर्स, कि नहीं वो हमारा देश है, वी आर गोइंग बैक। तो मेरी दादी और मेरे फादर जो 8 साल के थे, वो फुटपाथ से शुरुआत की, सामान बेचा, पाव बेचा, जो काम, पतंग, साबुन, क्या क्या करके, एंड फाइनली फिल्म में फर्स्ट टाइम बीआर चोपड़ा साहब की फर्स्ट फिल्म थी, उनको कहा कि भाई फिल्म में करोगे, तो उन्होंने फिल्म देखी नहीं थी। फिल्म क्या होता है, उन्होंने ये बोलना है, तो बोलता वो सब छोड़ो, पैसे कितने मिलेंगे, बोले सर 2 आने मिलेंगे, अरे करते ना। तो वहाँ से शुरुआत हुई एंड देन द करियर बिकेम, सो आई एम totally proud of totally. आप आरती, सोफी, आई थिंक जो आम लोग हैं उन्हें काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है सेलिब्रिटीज़ के बारे में। उन्हें लगता है कि हमें एम्बेरस फील होगा अगर हम उन्हें सेट पर लेकर जाएं या हमारे कोलीग से मिलवाएं। तो आई वुड से ऑलमोस्ट हाई परसेंटेज ऑफ पीपल फील दैट यू नो सेलिब्रिटीज गेट एम्बेरस टू इंट्रोड्यूस देम टू देयर कोलीग्स। रियली? या Which I think is very very sad. I mean, मेरा ये मानना है कि blood is thicker than water. लोग ये समझते हैं हमारे बारे में, वैसे हम नहीं समझते, लेकिन लोग समझते हैं ये बहुत बड़े लोग हैं और ये सिर्फ अच्छा काम नहीं करते और embarrassed हो जाते हैं, जो गलत फहमी है definitely. देखिए, जो नालायक हैं तो उन पर शर्म आएगी, लेकिन जो लायक हैं, चाहे वो झाड़ू मारते हो, फख्र है, काम तो कर रहा है ना। आपने 55% से लेकर 75% पर लगाया है, आप भी प्लीज एक अनुमान लगाइए। 45 to 65. Let's see the audience poll. Audience poll. So 50 to 70. The highest choti is on 60%. Not high. 50 to 70. Yeah, 50 to 70%. 50 to 70. Ash. Maybe lower, if at all, but otherwise it's okay. Maybe a little lower, 45. Ishina. 50 to 70. That's the. घर तो नहीं जा रहे ना? आपके हंसी से लगा कि घर जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको ये बोलने वाला था कि 10 लाख का प्रश्न है, जरा सोच समझ के खेलिएगा। हाँ, लेकिन सोच समझ के सब लोगों ने सोचा और मैंने खेल दिया। अरे हो गया, अभी आए देखें सुनील शेट्टी साहब 10,000 रुपए लेके जाते हैं या 10 लाख। तो 10 लाख रुपए जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 10 लाख। अरे जावेद, मैंने बहुत पहले कोई आपका एक आइटम देखा था जिसमें वो कोई फिल्म स्टार्स जो डांस स्टेप्स हैं वो अपने के डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो।
हाँ वो कुछ था एक्चुअली कि लोग समझते हैं कि हम जो फिल्मों में लोग हमारे स्टार्स हैं कुछ उनका स्टाइल है और जो यूज़ करते हैं वो कोई काम का नहीं होता फालतू नो बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये स्टेप्स बहुत काम आ सकते हैं। तो शत्रु जी का जो स्टाइल है कि वो जब डांस या मूवमेंट करते हैं तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गाँव में फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप अगर भैंस पर बैठे हैं और भैंस के सींग पकड़ के आपको भैंस चलाना सीखना है कि हाउ टू स्टीयर द भैंस के लेफ्ट जाना राइट जाना तो शत्रु जी का आहा चल मुन्ना लेफ्ट 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 या राइट राइट शत्रु जी का स्टाइल जो है वो काम आता है। अब आप राजेश खन्ना साहब तो उनका स्टाइल जो है जो नॉर्मली आप पैम्फलेट बांटते हैं तो उधर बहुत काम आता है कि पकड़ा पैम्फलेट ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ठेका ऊपर तू भी ले ले। मिठुंडा मिठुंडा का क्या है वो कॉम्प्लिकेटेड उनका दो दो तीन तीन चीज़ों में काम आता है। एक है फुटबॉल प्लेयर्स प्रैक्टिस करने के टाइम तो ये एक किक पूरा और फिर दूसरा है कि बेसिकली अगर आपको पाचन शक्ति में कुछ प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद तो वो पूरा ये, 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 पूरा जो है पूरा मस्त एकदम चकाचक बाउल मूवमेंट क्लीन। मेरा फेवरेट एक है गाँव में माधुरी दीक्षित जी ने एक गाना किया था चने के खेत में याद है। अभी गाँव में जो लोग दूध निकालते हैं तो कई बार वक्त कम होता है तो दो दो गाय एक साथ होती हैं और दो गाय का दूध एक साथ निकालना है तो वो स्टेप काम आते हैं चने के खेत में तो अभी हाल एक फिल्म आई थी अभी हाल एक फिल्म आई थी कमबख्त इश्क हाँ उसमें स्टोलोन भी थे तो आप स्टोलोन की भी जस्ट नॉर्मल डायलॉग के Oh yeah, man's rock about boy, you know what I mean? Yeah. I mean, these fights, you know. Yo, Salman, you know, what are you doing the show? You know, I ain't dumb. You know, ask me some question, you ask me some question. Come on, hit me. I ain't taking no shit from you. Come on, hit me. And you! Let's play the game, yeah. What the hell's happening? Come on, let's go. Let's play the game. आप दो कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से आगे खेलना चाहेंगे कोशिश करनी चाहिए सवाल देख सकते हैं अगर आगे नहीं जीते तो 1 करोड़ के लिए आप खेलेंगे खिड़की है 10% की प्रश्न रहा के कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने दोस्तों से संपर्क टूट जाने का दोष अपनी शादी को देते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है छोड़ना भी पड़ता है अक्सर वैसे दोस्तों को सुना है कहते हुए कि जब से उसकी शादी हुई है बस वो तो अब मिलता ही नहीं है एंड यू हियर दैट अ लॉट फ्रॉम द फ्रेंड्स साइड पर अच्छा है कि नहीं मिलता है ये कंप्लेंट दोस्तों से अच्छी है आई मीन जस्ट इमेजिन के बीबी बोल रही है जब से शादी हुई है मिलता ही नहीं है हमको या हस्बैंड बोले कि मिलती नहीं है हमको आप खेलना चाहेंगे आप क्विट करना चाहेंगे जीतेंगे तो 1 करोड़ क्विट करेंगे तो 10 लाख हारेंगे तो 1 लाख कैन वी सी एन ऑडियंस पोल बिफोर ऑडियंस पोल यस ऑफ कोर्स आइए ऑडियंस पोल देख सकते हैं तो सबसे हाई चोटी है 30% 30 से 40 यू वांट टू प्ले व्हाट डू यू प्ले 50 to 60 10% की खिड़की है क्विट करते हैं तो 10 लाख जीतते हैं तो 1 करोड़ हारते हैं तो 1 लाख क्या करें भाइयों पैसे बस सुनील अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्की होगा और ये पैसे बच्चों के पास जा रहे हैं और 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए से बहुत ज़्यादा हैं और आप क्विट करने के बाद भी फॉर फन आप खेल सकते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि 10 लाख रुपए बहुत कम है आई विल ट्राई फॉर 1 करोड़ रुपीस यू नो फिर बच्चों के लिए तो जो भी जाए अच्छा ही है नहीं 10 लाख बहुत अच्छी रकम है एंड आई थिंक ज्यादा ही रिस्क हो रहा है पहले
दो बार बच चुके हैं, आई डोंट थिंक वी विल बी थर्ड टाइम लकी. किस्मत को इतना भी नहीं आजमाना चाहिए. क्विट 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 फॉर द चिल्ड्रन राइट. यू क्विट एब्सोल्युटली. क्विट कर चुके हैं सुनील शेट्टी साहब. 10 लाख रुपए जीत के जा रहे हैं फ्रॉम 10 का काम. आइए सभी आ जाइए अभी. चलिए थैंक यू गाइस फॉर कमिंग फॉर दस कदम एंड प्ले एंड मेक इट लाइक अ हैपनिंग इन अ वेरी रॉकिंग शो. थैंक यू अन्ना. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. अभी हमें एक तस्वीर लेनी है. आइए कम कम. दिस इज माय सैमसंग ओमनिया फोन HD. अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब तक हम हंसेंगे नहीं. नहीं 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 वो नहीं. अच्छा. ये इसके हाई डेफिनेशन है ना. अच्छा. तो इसके जो वीडियोस और जो इसके पिक्चर्स आते हैं ना ये बहुत बढ़िया आते हैं, हाई डेफिनेशन में आते हैं. ये स्माइल. थैंक यू फॉर वॉचिंग 10 का दम. मिलेंगे अगले हफ्ते और तब तक हेल्दी रहिए हिंदुस्तान. What about getting